भगवान बुद्ध के शिष्य उपगुप्त परम सदाचारी थे। वह भिक्षुओं से कहते थे कि प्रेम और संयम ही भौतिक व आध्यात्मिक विकास के साधन हैं। एक दिन एक सुंदरी उपगुप्त के पास पहुंची। उपगुप्त उसका अनूठा सौंदर्य देखकर आकर्षित हो गए, लेकिन उसी क्षण उन्हें बुद्ध के वचन याद आ गए कि शारीरिक सौंदर्य में नहीं मन के सौंदर्य में सच्चा आकर्षण होता है। सुंदरी भी उपगुप्त को देखते ही प्रेम पाश में बंध गई थी। उसने उपगुप्त से प्रार्थना की कि वह उसके साथ कुछ क्षण बिताकर उसे उपकृत करें। उपगुप्त ने वचन दिया कि उपयुक्त समय पर वह एक बार अवश्य मिलेंगे। कुछ वर्ष बीत गए। भोग विलास में रत रहने के कारण युवती को अनेक रोगों ने घेर लिया। उसका रूप लावण्य सब नष्ट हो गया। लोगों ने उसे उल्टा बताकर नगर से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में दयनीय हालत में अंतिम दिन बिताने लगी। उपगुप्त को युवती की दुर्दशा का पता चला तो वह उससे मिलने जा पहुंचे। उन्हें देखते ही युवती की आंखों से आंसू बहने लगे। उपगुप्त ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह चमत्कृत होकर बोली, मैं प्रेम करने योग्य थी, तब तो आप नहीं आए, अब क्या लाभ। उपगुप्त ने कहा, देवी, शारीरिक आकर्षण को प्रेम नहीं वासना कहते हैं, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। युवती ये सुनकर बहुत खुश हो उठी। इस दुनिया में हमें बाहरी सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि बाहरी सुंदरता वक्त के साथ चली जाती है, परंतु आंतरिक सुंदरता ही एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक हमारा साथ देती है और हमें हमेशा खूबसूरत बनाए रखती है। धन्यवाद।